Yes class, in this video I am going to teach you how to draw cute puppy drawing in an easy way. So watch this video carefully. Here I am showing you a cute puppy drawing which is page number 20. So let's start drawing. First you have to make a circle, small circle, with the help of any circular object. Here I am using small tape roll. First you have to draw a small circle and then draw hair flakes like this. After that, draw a small ear drawing. Then draw two small circles for the eyes. Draw two another circle in the middle of the eye. Then draw a nose, small oval shape for the nose drawing. Then draw a mouth drawing. Mouth drawing के लिए हम एक curve draw करेंगे like C alphabet. Then हमने mouth पर hair flicks show करना है. Last step हमने mouth में tongue show करना है like this. Small tongue draw करेंगे हम. After that circle drawing हम erase कर देंगे. तो जब भी आप ड्रॉ करते हैं बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक शेप हमने लिया है सर्कल ड्राइंग और बिल्कुल लाइट हैंड से आप कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की फिनिशिंग के साथ. उसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी प्रोपोर्शन के लिए एक ओवल शेप ड्रॉ करना है लाइक दिस, जैसे अभी आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है. देन नेक के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्लेंटिंग लाइन. अदर साइड राइट हैंड साइड एक स्मॉल लाइन मार्क करनी है आपको फॉर द नेक ड्रॉइंग. ओवल शेप के लेफ्ट हैंड साइड से आपको लेग्स ड्रॉ करने हैं. ओके, तो अभी हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है. देन फ्री हैंड आपको फुट ड्रॉ करना है. देन अनादर हम लेग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. स्मॉल छोटे छोटे कर्व के साथ आपको फुट के प्रिंट्स ड्रॉ करने हैं. देन हमने एक फ्रंट लेग हमें थोड़ा सा अपर साइड फ्लो में दिखाना है. देन एक हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है फॉर दी बॉल. अभी हम यहाँ पे एक टेल ड्रॉ करेंगे पपी की, स्मॉल वो हमने ड्रॉ कर दी है. देन हम एक स्मॉल बॉल ड्रॉ करेंगे फॉर दी सर्कल बनाया हमने फॉर दी बॉल ड्रॉइंग. तो यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ करनी है. ओके, तो
लास्ट स्टेप रहता है, उसके अंदर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बॉडी प्रिंट्स इस तरह से। फ्री हैंड आपको क्यूट पप्पी बॉडी में प्रिंट शो करना है, ओवल शेप लाइक दिस, हाफ सर्कल, ओवल शेप, ऑल ओवर बॉडी में हमें सेम स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो अभी हम ड्रॉ करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक के पास एंड कर देंगे। इसी तरह से अदर साइड से हम नेक के दूसरे साइड से लाइन कंटिन्यू करेंगे, कर्व लाइन फॉर द बैकग्राउंड एरिया। अपर साइड हमें यहाँ पर रेलिंग ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे अपर साइड कर्व लाइन। देन अगेन एक सेम लाइन इसकी डाउन साइड हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्री हैंड बिल्कुल लाइट हैंड से आप कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की। वन साइड वन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और आगे तक कंटिन्यू लेके जाएंगे धीरे धीरे। एज इट इज़ हमने सेम डाउन साइड वाली लाइन में भी उसको डबल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर हम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम यहाँ पे लाइन को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अपर साइड से हम ड्रॉ करेंगे, डाउन साइड लेके आएंगे, इस तरह से हम इसको डबल कर देंगे। तो ये आपकी वन साइड रेलिंग कंप्लीट हो गई है। सेम यही स्टेप हम अदर साइड ड्रॉ करेंगे, लेकिन देखिए इस तरह से। अभी हम एक हट ड्रॉ करेंगे, क्यूट सी हट हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपर साइड के लिए ट्रायंगल शेप से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट आप ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल इस तरह से, देन टू लाइन दोनों साइड ड्रॉ करेंगे जॉइन होता हुआ स्टैंडिंग लाइन। देन फ्रंट एरिया में हम डोर बनाएंगे। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, करेक्ट करना है अपने ड्राइंग को। अगर आपको लगता है करेक्ट नहीं ड्रॉ हुआ है तो हम इरेज करेंगे, देन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट शेप। ऐसे हमने एक कर्व ड्रॉ करना है फॉर दी डोर ड्राइंग। अपर साइड से हम शेड ड्रॉ करेंगे हट के लिए, स्मॉल शेड, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे शेड के लिए। देन अपर साइड लाइन के जैसे ही हमने डाउन साइड सेंटर में लाइन कंटिन्यू करनी है फॉर दी शेड ड्राइंग। इसके पैरेलल जस्ट देन उसके पैरेलल अनादर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, कंटिन्यू टू लाइंस मिड में आपको ड्रॉ करनी है। देन आपको स्टैंडिंग लाइन से उसको कंप्लीट करना है हर ड्राइंग को। देन रेलिंग की लाइन हम यहाँ से इरेज कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन हो गई है। तो ये हमारी वॉल हो गई है हट की कंप्लीट। और अभी हम लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम रेलिंग अगेन कंप्लीट करेंगे। इस टाइप से ग्रिल या फिर रेलिंग बोल दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लाउड। अभी हम अपर साइड क्लाउड बनाएंगे, उसके लिए हम स्मॉल डिफरेंट सी शेप, सी फॉर कैट, अल्फाबेट वाला कैट। ओके,
वो हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट शेप्स हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ओवल कर्व शेप एंड सी शेप, और हम ये क्लाउड शेप बना देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सन ड्राइंग, उसके लिए हमने अगेन टेप रोल यूज़ करा है, उसका इनर सर्कल यूज़ किया है। यहाँ पे हम रेज दिखाएंगे स्मॉल एंड लार्ज लाइंस के अंदर, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी हम डाउन साइड क्या करेंगे, ग्रास ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम स्लिपिंग लाइन, स्मॉल स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 and 4। ओके, देन हम अपवर्ड डाउनवर्ड्स हैंड मूव करते हुए ग्रास ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप ग्रास बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे ग्रास ड्राइंग जैसे हमने ऊपर सिखाया है। सेम स्टेप करना है, छोटा बड़ा साइज में आपको शो करना है ग्रास ड्राइंग। ओके क्लास, तो ये हमारा टॉपिक क्यूट पपी ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से आउटलाइन। तो आप हमेशा आफ्टर ड्राइंग आप आउटलाइन करेंगे अपने वर्क में, जब भी आप कोई भी वर्क या फिर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक पेन से, हमने क्लाउड एरिया से स्टार्ट कर दिया है ब्लैक आउटलाइनिंग, आप लोग भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे आफ्टर ड्राइंग। क्लाउड के बाद हम सन में करेंगे, सन ड्राइंग में करेंगे आउटलाइन, और मोटा पतला लाइन का हमें थिन एंड थिक लाइन का ध्यान देना है जब भी हम आउटलाइन करते हैं। सेम शेप मतलब साइज होना चाहिए लाइन का, थिकनेस ओवर नहीं होना चाहिए, सेम लाइन आप यूज़ करेंगे, थिकनेस सेम होनी चाहिए ऑल साइड्स। जब हम रेलिंग में आउटलाइन करेंगे हमने फोकस करना है ओवरलैप नहीं करना है, हमने रेलिंग वाला एरिया स्टैंडिंग लाइन में आउटलाइन नहीं करना है। ओके, तो गैप छोड़कर इस तरह से आप आउटलाइन करेंगे। ओके, तो अभी हमने स्टार्ट करना है कलरिंग। तो फर्स्ट कलर हम ब्लू कलर लेंगे, और यहाँ पर क्लाउड एरिया में हम क्लाउड्स के अंदर ब्लू कलर करना स्टार्ट करेंगे। स्लैंटिंग वे में हमने कलरिंग हम कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लू करना है क्लाउड को आपको।
तो यहाँ पे हमने सन एंड क्लाउड में कलरिंग कर दिया है। आगे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पेंसिल ड्राइंग में से इरेज करना है, क्योंकि जब भी हम कलर करते हैं तो पेंसिल की डार्कनेस कलर में मिक्स हो जाती है, उससे क्या लगता है आपकी कलरिंग डल लगती है। तो आप ड्राइंग के बाद ब्लैक आउटलाइन करेंगे, देन पेंसिल इरेज करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद आप कलरिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सन में येलो कलर कर दिया है सन ड्राइंग में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डॉगी के अंदर हम येलो कलर करेंगे, कम्प्लीटली बॉडी में येलो कलर फिल करेंगे। देन उसके बाद हमने रेड कलर लिया है और यहाँ पर बॉडी स्पॉट्स के अंदर हम रेड कलर फिल करेंगे। देन रेड कलर हमने क्या करना है, बिल्कुल लाइट हैंड से हल्का हल्का बॉडी में शेड दिखाना है, जैसे लेग एरिया में दिखा दिया हमने, फुट एरिया में दिखा दिया, ईयर में दिखा दिया, हेड में दिखाएंगे, बॉडी पोर्शन हमने लिया था तो बॉडी में दिखाएंगे डाउन साइड, इसी तरह से ईयर्स में हम हेयर में दिखा रहे हैं रेड कलर से शेड, लाइट हैंड से बिल्कुल लाइट कलरिंग करेंगे शेडिंग लुक में कंप्लीट, इस तरह से अपना वर्क आप करेंगे। इसी तरह से रेलिंग हमने ग्रिल में क्या कर दिया है, येलो कलर करा है फर्स्ट, देन उसके बाद हम ब्राउन कलर फिल कर रहे हैं। हार्ट ड्राइंग में हम रेड करेंगे और हार्ट को भी हम कलरफुल बनाएंगे, तो आप देखेंगे ध्यान से।
इसी तरह से हम ग्रास एरिया में, ग्रास में हम करेंगे डार्क ग्रीन कलर, देन बैकग्राउंड में हम करेंगे येलो कलर करेंगे बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड से पहले यहाँ पे हमने बॉल में कलर कर दिया है। बॉल में आपको कंप्लीट कलरफुल करना है, कलरफुल बनाना है बॉल को। बैकग्राउंड में सबसे पहले आप करेंगे येलो कलर, कम्प्लीटली बैकग्राउंड में येलो कलर फिल कर देंगे। देन येलो कलर हमने कर दिया है बैकग्राउंड में, उसके बाद हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। कंप्लीट ड्राइंग में हम ग्रीन कलर अच्छे से फिल कर देंगे स्लैंटिंग वे में, शेडिंग लुक में। लाइट ग्रीन कलर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। कंप्लीट बैकग्राउंड में डाउन साइड आपको ग्रीन कलर करना है, लाइट ग्रीन कलर। अपर साइड आप देखेंगे हट के डाउन साइड एरिया में, अपर साइड आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस करनी है कलरिंग में, तो थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करेंगे। अपर साइड कलरिंग स्टार्ट करेंगे,
तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, लाइट ब्लू कलर। तो स्काई में आप ब्लू कलर करेंगे, लाइट ब्लू कलर फिल करेंगे। सन एरिया में जहाँ पर हमने सन ड्रॉ करा है, इस एरिया में आप ऑरेंज कलर करेंगे। फर्स्ट येलो करेंगे, देन ऑरेंज करेंगे, उसके बाद हम रेड कलर यूज़ करेंगे फॉर दिस शेडिंग। लाइट हैंड से शेडिंग करेंगे रेड कलर से आप। फर्स्ट हमने ब्लू कलर यूज़ करा है, आफ्टर दैट हमने पर्पल कलर यूज़ किया है फॉर दी शेडिंग। स्काई में थोड़ा सा पर्पल कलर से आप शेडिंग दिखाएंगे, जिससे हमारी कलरिंग अट्रैक्टिव लगेगी, सुंदर लगेगी। आई बॉल में यहाँ पर हमने डॉग की आई बॉल ब्लैक कर दिया है, नोज़ हमने ब्लैक करना है। सो यस क्लास, ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आप भी अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की। गुड।